मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी ने विंध्य के रीवा में समृद्धि मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक संजर, मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस मौके पर मौजूद रहे। भोपाल के सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता आलोक संजर ने बताया कि यह दृष्टि पत्र जनता से संवाद करके बनाया गया है। विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं इस बात को कहने की स्थिति में हूँ कि जो 2013 में प्रदेश की जनता से वादे किए गए थे वह लगभग सभी पूरे किए गए हैं। संजय ने कहा कि संकल्प पत्र में जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई थी उन योजनाओं के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। प्रदेश के गरीब वर्ग के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना बनाई गई है। मैं इसलिए इसको कहता हूँ ये जनता का दृष्टि पत्र है। विगत 15 सालों से मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता का आशीर्वाद है। और इन 15 वर्षों में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आत्मिक रिश्ता बनाया है मध्य प्रदेश की जनता से, इस रिश्ते को पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने निभाया भी है। मध्य प्रदेश की जनता की यथासंभव सेवा भी की। आज अब मैं इस बात को कहने की स्थिति में हूँ कि 2013 में प्रदेश की जनता से जो वादे किए गए थे वे लगभग सभी पूरे करे गए हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई थी तो संकल्प पत्र में थी, इसके अलावा भी अन्य योजनाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
काम किया है। आलोक संजय ने कहा कि हमारे छोटे किसान जिन्हें कृषक समृद्धि योजना या भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, उनके लिए लघु किसान स्वावलंबन योजना के माध्यम से उनकी कृषि भूमि के रकबे के मान से संबंधित फसल के उत्पादन अनुरूप कृषक समृद्धि योजना के समानुपाती बोनस का लाभ देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।